हेलो गाइस, आज मैं आया हूँ स्लेट पेंसिल की फैक्ट्री में। कैसे स्लेट पेंसिल बनती है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। कैसे स्लेट पेंसिल की कटिंग होती है और कैसे अनशेप सेल स्टोन को क्लीन करके कैसे स्लेट पेंसिल बनाई जाती है, दिखाते हैं पूरा प्रोसेस। वीडियो में आगे तक बने रहें, चलिए शुरू करते हैं। ये क्लीन सेल स्टोन रखे हुए हैं, खदान से निकाल कर इसकी क्लीनिंग की जाती है। इसके बाद ये फैक्ट्री में आती हैं। देखिए, ये स्लेट पेंसिल की कतरन है, जो वेस्ट होती हैं उनको फेंक दिया जाता है, पर इसे भी लोग खरीद कर सेल कर देते हैं। चलिए अब आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। देखिए, चारों तरफ स्लेट पेंसिल ही स्लेट पेंसिल हैं। देखिए कितनी क्रंची है, आप क्रंची साउंड सुन सकते हैं। देखिए कितने डिफरेंट कलर के शेल स्टोन्स रखे हुए हैं। बहुत से लोग इसे डंप वेस्ट समझ लेते हैं, पर ये असली सोर्स है स्लेट पेंसिल बनाने का। इन अनशेप सेल्स से ही स्लेट पेंसिल बनाई जाती है। बारिश की वजह से इन्हें कवर कर रहा है ताकि ये सॉफ्ट ना हो और क्रंचीनेस बनी रहे। चलिए अब फैक्ट्री के अंदर चलते हैं।
ये सब स्लेट बार्स हैं, इसी से ही स्लेट पेंसिल बनती हैं। देखिए ये सब बॉक्सेस में कंप्लीटली रखी हुई हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग से इसे शेप दिया जाता है। देखिए कैसे अनशेप को स्लेट बार का शेप दे रहे हैं। ये सब स्लेट बार रखी हुई हैं। देखिए कैसे इन लोगों ने स्लेट पेंसिल की दीवार बना रखी है। इस तरह से इसको बॉक्सेस में भरा जाता है। इसकी कोई गिनती नहीं होती, इसको अंदाजे से बॉक्स में भरा जाता है। अच्छी तरह से भरने के बाद पैकिंग की जाती है और फिर इन बॉक्सेस को मार्केट में भेजा जाता है।
चलिए अब आपको स्लेट पेंसिल की कटिंग दिखाते हैं। ये स्लेट पेंसिल की कटिंग कर रहे हैं, इस तरह से होती है स्लेट पेंसिल की कटिंग। आज हमने आपको पूरी स्लेट पेंसिल की प्रोसेस दिखाई है। हमारी और भी ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।